खबर शामिल कनासी पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी चयोए तो इकतदार मिलो तो को भी सियासी कैदी न होंद सरगोदा में जलसे के खिताब कंदे बिलावल भुट्टो जरदारी ये नथो कर सकजे तो मुखालिफन की न्याणियों के जेलन में बंद कयो वने मानू पांजो वोट्स आया न कन हाने मुकाबलो शीह ही तीर विच में आ मुकाबलो पीपल्स पार्टी ए इजाल हक मरहूम के मुस्लिम लीग विच में आ बिलावल भुट्टो जरदारी चयो तो पीपल्स पार्टी आजाद उम्मीदवार से गजी हुकूमत चाहिंदे शीह वारा अपोजिशन में वेहंदा सियासी इंतकाम वठन बिया सियासतदान जो कम है अस आवाम की खिदमत कंदी बिलावल भुट्टो जरदारी सिंध के हर जिले में मुफ्त इलाज के अस्पतालू कायम क्यों व्यू हैं पंजाब जहाँ सियासतदान बीमार थन्दा तो इलाज लाइ लंडन वनो पवन है ये पांच इलाज लाइ अस्पताल भी ना टाई सकिया तो आवाम लंदा प्राइवेट में भी दिल के इलाज की अस्पताल चाहिंदी बिलावल भुट्टो जरदारी खेस सिखारो वो है ताकत जो सर चश्मो आवाम है बेनजीर भुट्टो है जमहूरियत बेहतर इंतकाम है उन्होंने तो बेनजीर भुट्टो शहीद थी आसिफ जरदारी पाकिस्तान खपे जो नारो हयो वालिद जेल में तशद्दुद कयो वयो जबान कटी वही जो जुल्म असा सा थियो वो कें बे सा ना ही थियो वो चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से चौथी बार उनको वो कुर्सी मिले। मैं ये इलेक्शन इसलिए लड़ रहा हूं कि कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने हमें ऐसा नजरिया और मंशूर दिया है, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने हमें ऐसा नजरिया दिया है जिसमें इन तमाम मसाइल का हल है। जब शेर का हुकूमत बनता है तो अवाम का खून चूसा जाता है, जब शेर का हुकूमत बनता है तो सबसे पहले मेरे किसान का खून चूसा जाता है, उसके बाद मेरे मजदूरों का खून चूसा जाता है, उसके बाद मेरे नौजवानों का खून चूसा जाता है। हम आपकी खिदमत करने वाले हैं, हम इंशाल्लाह ताला हुकूमत बना के इस मुल्क को तरक्की याफ्ता मुल्क बनाएंगे। मेरा जो इस एजेंडा में पहला वादा है, ये सुने मेरा एजेंडा को, मेरा दस नुकात को आपने घर घर पहुंचाना है, आपने सूबे के आवाम को समझाना है कि आप अपना वोट जाया ना करें, अपना किस्मत को तब्दील करने के लिए तीर पर थप्पा लगाना जरूरी है। मेरा पहला वादा है कि इंशाल्लाह ताला हम आपकी आमदनी में ना सिर्फ इजाफा करेंगे मगर इसको दुगनी करेंगे। आप जब घर घर जाते हो तो पूछो कि क्या तनख्वाह पे गुजारा हो रहा है, अगर ना में जवाब मिला तो बताए कि बिलावल भुट्टो जरदारी वजीर आजम बनेगा, तो वादा किया है कि दुगनी करेंगे हम आपकी आमदनी।